जी सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयार है, कैमरा वाले भैया भी आने वाले हैं, जस्ट कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई। और हम लोगों का शौक था कि जन्माष्टमी के दिन जो है अपने बेटे को अच्छे से तैयार करेंगे और कान्हा लुक सब में उसको लाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या हो गई जी, क्रियांश की हो गई है तबीयत खराब, मतलब क्या कहे जी, परेशान हो गए हम लोग। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल है क्रियांश है हमारे गोद में, और पिछला जो 2-3 ब्लॉग है क्रियांश भी हमारे साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा है। तो देख रहे क्रियांश भी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, तो क्रियांश आप ही बोलना जारी रखिए, हम जो चुप हो जाते हैं। बुआ की दादी का तबीयत हो गया है खराब, और ये गेट पे जाता है माँ बोल के भाग जाता है। अगर हम माँ का पैर दबाते हैं तो इसको तकलीफ होती है, इसको लगता है कि माँ को मार रहे हैं, रोने लगता है, माथा दबा रहे हैं भाग रहा है, क्यों दबा रही है, मतलब रोने लगता है। इसको लगता है ना कि एक बार माँ का हाथ मचक गया था तो दादी ऐसे तेल लगा रही थी तो माँ रो रही थी क्योंकि माँ को बहुत दर्द हो रहा था, उसी टाइम से इसको ध्यान है कि कोई दबाता है तो रोने लगता है। इसका ही हाल है, क्रियांश जो है किसी को भी दबाने नहीं देता है, तो बेचारा जो है सोच रहा हम दादी का केयर कर रहे हैं लेकिन हो रहा है उल्टा। बाकी जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब भी हमारा कोई नया भी ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये देखिए उधर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉग का भी टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है, दोपहर में 2 बजे भी आता है, रात के 9 बजे भी आता है ना, इसलिए आप नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा कभी भी ब्लॉग आए तो आपको मिले। क्रियांश क्या कर रहा है, उसको देखते रहो घुमा रहा है इसको ऐसे। कहाँ जा रहे हो दादा, क्या कर रहा है? बस खेल रहा है, इधर उधर उठा पटक, इधर उधर इधर उधर, देखो कहाँ गया। कान्हा जी 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 गेट पे जा रहा है और माँ को कहता है माँ माँ, अभी भाग जाता है। निकाल लिया तो निकल गया हिंदी, इसी जगह क्रियांश 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 को देख सकते हैं क्या कर रहा है, ये पापा के ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रहा है। क्रियांश देखो ये मटकी तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ। तो हमने पूरी शॉपिंग कर ली, अभी थोड़ा बहुत जो बचा था वो पतिदेव लेके आ गए। थोड़ा बहुत में क्या ये मटकी बचा हुआ था, मतलब इतना डेकोरेशन किया हुआ मटकी मुझे नहीं मिल रहा था, तो पतिदेव आज पूरा ढूंढ के लाए हैं। और कुछ लाइट बचे हुए थे पीछे बैकग्राउंड में लगाने के लिए लाइट, वो भी नहीं मिला था मुझे, तो वो आज पतिदेव लेके आए। और क्या क्या मैं लाई हूँ खरीद के वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी एक आया हुआ है मटका जो कि बहुत ही सुंदर है, अंदर में स्टील है जो कि मुझे लगता है अगले साल भी यूज हो जाएगा। और ये कितने का मिला आपको? ये मिला 225 रुपए का, 225 रुपए का, एक दुकान पर मिल रहा था 400 रुपए का और क्वालिटी सेम था। और ये एक मैंने लिया अपने लिए फ्लावर वाली ज्वेलरी, देखती हूँ मैं कल पहन पाती हूँ या नहीं क्योंकि माँ की भी तबीयत खराब है, क्रियांश को भी देखना पड़ेगा, देखते हैं अगर हो पाएगा तो, पॉसिबल हो पाएगा तो मैं भी थोड़ी बहुत रेडी हो जाऊंगी, उसके लिए मैंने ये ले लिया है। ये मिला था मुझे 110 रुपए का। और ये लिया मैंने फ्लावर जो कि पीछे मुझे लगाना है बैकग्राउंड पे, इसमें है इसको कहेंगे गेंदा, ये येलो और वाला ऑरेंज वाला गेंदा लिया है मैंने, 5 लड़ी लिया है, देखते हैं मुझे लगता है ठीक है इतना काफी है, चक्र टाइप का बना हुआ है, फूल लगा के दोनों साइड में लगाऊंगी। ये 2 लिया है मैंने इस टाइप का जो कि ये पति ने पसंद किए थे और वो बोले कि अच्छा लगेगा ये ले लो। और भी एक मैंने लिया है, ये मैंने ऊपर में ऐसे लगाने के लिए लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसके पास एक ही पीस थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने ले लिया। और इसके बाद मैंने लिया है ये कुमकुम, इस कुमकुम के लिए मुझे कम से कम 10 दुकान ढूंढना पड़ा क्योंकि जहाँ भी जा रही थी सबको रहे थे खत्म हो गया खत्म हो गया, तो फिर लास्ट में एक दुकान दिखा वहाँ पे मुझे मिल गया, वो मार्केट से थोड़ा हटके था तो मुझे लगा कि मिल जाएगा। और सबसे जरूरी वाला चीज़ क्रियांश का ड्रेस, ये मैंने लिया है ऑनलाइन और ये ड्रेस है, ये दोनों ड्रेस है और इसके अंदर आपको पूरा सेट मिल गया।
मुझे लास्ट ईयर जब क्रियांश छोटा था ना, तो उस टाइम मैं एक एक चीज के लिए इतना ढूंढी हूँ, कुछ मुझे सही से मिल ही नहीं रहा था। इस वजह से मैंने पूरा सेट अमेजोन से मंगा लिया। ये बांसुरी है, वैसे इससे भी खूबसूरत बांसुरी मेरे पास है, जो कि हम लोग वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वृंदावन ही, और खाटू श्याम गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। ये गले का है, हाथ में बाजू है, सब कुछ है, इसका पूरा सेट मुझे मिल गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक ये भी है, एक मोर का पंख भी है इसके अंदर, पूरा सेट मुझे मिल गया। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, मैं तो इसलिए आप लोग से वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे दीदी आपने जो शॉपिंग किया वो तो दिखाया ही नहीं पूरा, मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, जो भी आइडिया है मैंने अपने सोच से ले लिया, और उतना कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि रियांश इतना ज़्यादा नटखट हो गया है कुछ करने के बाद भी ना, वो सही से होगा कि नहीं होगा अभी तक वही लग रहा है मुझे, कि अच्छे से सूट करवाएगा या नहीं करवाएगा। इतना कुछ मैंने खरीद लिया, और कुछ अगर आप लोग को लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस टाइम तक अगर शूट नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो मैं जरूर खरीद लूंगी। तो सभी लोग जी हो गए हैं तैयार, तो देख सकते हैं किरांस भी पीछे अपना तैयार है, और अपना बिल्कुल एकदम नहीं कहते हैं इम्पेशेंट हो गया है कि अब जो है जल्दी से निकलना है, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ा है, देख लिया है। अब तो जाना था मम्मी को भी, मेन तो मम्मी का ही वहां पर रहना जरूरी था, क्योंकि जिनकी हम लोग जा रहे हैं उनसे जो हम लोगों का जो नाता है मम्मी के जरिए ही जुड़ा है, जो है मम्मी के सीनियर थे, लेकिन जो है कलीग तो थे लेकिन परिवार से कम नहीं थी हम लोगों के लिए। तो सभी लोग को वहां पर जाना है, तो मम्मी नहीं जा पाएंगी क्योंकि मम्मी की हो गई है बहुत ज्यादा तबीयत खराब, तो इस वजह से मम्मी तो नहीं जा पाएगी, लेकिन हम सभी लोग जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, शिवम भी है साथ में, ये भी आया हुआ है, और जिया, हम और क्रियान सभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली हम लोगों को इन्विटेशन आया था कि आप सभी लोग को आना है, जितने लोग हैं वहाँ पर सभी को, और एक एक करके सभी को फोन भी आया था, जिया से भी स्पेशली बात हुई थी, तो वहाँ तो जाना बनता है जी। तो हम लोग चलेंगे वहाँ पर अंकल के यहाँ, और वहाँ जा करके उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं, और क्रियांश भी अपनी छोटी बहन से मिल लेगा। चले A few moments later. अन्नप्राशन समारोह में तो पहुंच गए जी, लेकिन वहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर बहुत दिनों बाद सभी से मिले थे और बातचीत में ही लग गए, और इतना मजा आया वहां पर कि हमें रिकॉर्ड करने का ध्यान ही नहीं रहा। तो यह जो बच्ची देख रहे हैं जी, इसी का अन्नप्राशन है, तो जिया गई हुई थी और इस प्यारी सी बच्ची का थोड़ा सा वीडियो बना लिया। The next day. तो हमारा बेटा सो के उठ चुका है, पापा। A few moments later. तो अभी हम लोग सुबह उठ चुके हैं और बेड को हमने कर लिया है इधर, जो कि हमारा बेड इधर था, और यहाँ पे जो है थोड़ी गंदगी है जिसको मैं पोछा लेकर के साफ करूंगी, और सूट जो होगा हमारे क्रियांश का वो यहीं पे होगा, क्योंकि उधर स्पेस नहीं था, और हॉल में था लेकिन वहाँ पे एसी नहीं है, क्रियांश को गर्मी लगेगी, क्रियांश आ गया, तो इस वजह से हमने सोचा कि रूम में ही शूट करेंगे, और बोर्ड जो था यहीं पे था और उधर सब था, तो टीवी भी है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने सोचा यहीं पे करते हैं। ये रहा हमारा ग्रीन ग्रास, इसको बिछाया जाएगा, और उधर हमारा बेटा तबाही मचाते हुए। पति देव जो है अपना लाइट को सेट कर रहे हैं, इतना बड़ा लाइट खरीद के ले आए हैं, बोले थे छोटा सा लाइट लाने के लिए, इतना बड़ा लाइट खरीद के ले आए हैं, उसमें माथा लगा रहे हैं। यहाँ पे क्रियांश का टीका लगा रहे हैं, क्योंकि जब उठ जाएगा तो गुड़गुड़ करने नहीं देगा, तो आधा हुआ है आधा नहीं किया मैंने। लिया ये कुमकुम, इससे वाइट कुमकुम निकाल के, और यहाँ पे इसको लगाना है। तो बबा को मैंने थोड़ा बहुत रेडी किया है, उतना नहीं किया, जब उठेगा वो तो फिर हम उसको रेडी करेंगे, जो नींद में कर सकते थे उतना कर लिया हमने। तो अभी चलते हैं, बबा का सारा ड्रेस निकालते हैं, ये लिपस्टिक ऐसा है ना कि कितना भी हटा लो जल्दी हटता ही नहीं है, और आज उतना टाइम था नहीं। 3, 4, 5, ये बात ये पहले कर रहे थे कि हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता है। अब हमारे कान्हा जी आधा रेडी हो चुके हैं, आधा बिखार चुके हैं। कान्हा जी थोड़ा बहुत रेडी हुआ है, और 4 बजे बोला है कि वो आएंगे, अभी 3 बज चुका है, लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पतिदेव सो गए। तो फाइनली जी हमारा जो सेटअप है तैयार हो गया है फोटो शूट के लिए, तो देख सकते हैं जी हमें जितना बहुत भी आइडिया था तो उतना कर लिया, और बाकी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग के पास भी कोई भी डेकोरेशन का कोई अच्छा आइडिया है तो आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम पर जरूर अपलोड किया कीजिए, और उसका लिंक हमें भेज दीजिए, हम देख लेंगे। यहाँ पर लाइट सब लगा हुआ है, अभी जो आप देख रहे हैं या बिना लाइट का देख रहे हैं, लाइट जला के दिखा दो जी, उस समय दिखाते हैं आपको कैसा लगता है, तो कुछ ऐसा लगता है यार। Thank you.
जी सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयार है, कैमरा वाले भैया भी आने वाले हैं, जस्ट कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई। और हम लोगों का शौक था कि जन्माष्टमी के दिन जो है अपने बेटे को अच्छे से तैयार करेंगे और कान्हा लुक सब में उसको लाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या हो गई जी, क्रियांश की हो गई है तबीयत खराब, मतलब क्या कहे जी, परेशान हो गए हम लोग भी। और क्रियांश का जो है सबसे पहले मैंने देखा कि सर एकदम पूरा हीट कर रहा था और हाथ जो है एकदम ठंडा जैसा लग रहा था, तो हमें लगा कि फीवर नहीं वैसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर अचानक क्या बनवाया जी, बोले कि एक बार ऐसा करते हैं थर्मोमीटर से जो है इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। और जैसे ही थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया तो देखा कि लगभग 100 के करीब फीवर है। तो हम लोग जी थोड़ा सा जो है अभी इस चीज को होल्ड पर रख रहे हैं, और जो कैमरा वाले भाई साहब हैं उनको भी रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा कुछ देर रुक जाइए, अगर लगेगा कि तबीयत सब ठीक है तो आगे शूट करेंगे, नहीं तो इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे। बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि क्रियांश जो है ठीक हो जाए, वह फोटो शूट जो है सब कुछ हो जाए। एक्साइटेड थे इस बार जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि उस बार तो क्रियांश बहुत छोटा था और 3 महीने का ही था, तो इस बार वो नटखट सा हो गया, तो हम लोग सोचे थे इस बार बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोगों ने अभी तक कुछ सामान भी नहीं लाया है, देखते हैं अगर क्रियांश ठीक होगा तो फिर जन्माष्टमी की भी शॉपिंग करनी है हम लोग। बिल्कुल, तो जन्माष्टमी का शॉपिंग भी हम लोगों का भी कुछ कुछ बाकी है, फलहार सबके लिए सामान सब लाना है, लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ कुछ सामान बचा हुआ है। तो आप लोग दुआ कीजिए जी कि क्रियांश ठीक हो जाए और जो हमने सोचा है वैसा हो जाए, और भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक कर दीजिए जी, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए।